क्या क्या नाम? हम लोग फूलो देवी, मेरा नाम है। हम लोग गरीब आदमी है, जब काम मिलता है तो काम करते हैं, नहीं मिलता है तो घर जाते हैं। कोई हम लोग के एक रुपया देने वाला नहीं है, कोई भूखे रहता है, कोई प्यासे रहता है। जब हम लोग मेहनत करते हैं तो अगला पैसा देता है। मोदी सरकार बोलता है कि गरीबी के वोट दो, मगर गरीब का कोई सहायता नहीं है। लोग पैसा वाला के सहायता है, गरीब के कोई भलाई और कोई अथी नहीं करता है। गरीब के तो लात मारता है बड़ा बड़ा आदमी लोग, जूठा धुआता है, बर्तन धुआता है, कपड़ा धुआता है, तब हम लोग का पैसा मिलता है, तब पैसा देता है। वो भी बोलता है कि अब इतने काम कर दिए हैं, हराम का पैसा देंगे। जब मेहनत करते हैं तो हम लोग का पैसा देता है। हम लोग ना चोरी करते हैं ना छिनारी करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं तो लोग पैसा काम देख के पैसा देता है। नहीं काम करेंगे तो कोई एक रुपया पैसा नहीं देगा, और क्या करेंगे हम लोग के। तो अगर हम लोग इतना गरीब है, अगर सरकार इतना लोग बांटता है, अगर सुबह सुबह हम लोग कम से कम नाश्ता भी ला के देता है, तो सोचते कि चलो हम लोग गरीब आदमी के कुछ खाना दे रहा है। कोई भूखे आता है, कोई प्यासे आता है, कोई बगैर खाली आता है, किसी का पति अंधा है, काना है, गरीब है, अमीर है, कमाता है तो खाता है। हम लोग के कुछ नहीं मिलता है, एक रुपया कोई देने वाला नहीं, पैसा नहीं रहता है। तो टोन जाते हैं गाड़ी बैठ के तो बोलता है भाड़ा नहीं दीजिएगा तो नहीं बैठाएंगे। तो हम लोग पैदल भी जाते हैं, हम लोग के कोई पैसा नहीं देता है, और क्या बताएंगे। सरकार तो कह रही है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने शुरू की हैं, और जो आप अनाज वगैरह की बात करें तो रघुवर सरकार जो यहाँ की सरकार है वो तो कह रही है कि हम पहुँचा रहे हैं लोगों को। कुछ नहीं मिलता है, 5 किलो चावल देता है, 5 किलो ने क्या होगा। हमारा आदमी कोका है, पगला है, ना बोलता है ना सुनता है। मेरा घर पास हो गया था, उसको भी तो खा गया। कुछ नहीं मिलता, खाली बोलवाता है 5 किलो हम सब्जी खरीदेंगे कि तेल खरीदेंगे कि मसाला खरीदेंगे। 5 किलो चार तो हम लोग 2 दिन में खा के ख़त्म करते हैं, इसलिए हम लोग रजा कुली के काम करते हैं। 50 किलो के बोरा बोते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा 50 ग्राम का खाना नहीं खाएंगे। हम लोग कम से कम आधा किलो चावल का भात खाते हैं एक बार ने। तो मोदी सरकार जोड़ के देखो, अगर 5 किलो चार 10 बार ना खाएंगे हम लोग, 5 दिन से ज़्यादा नहीं होगा हम लोग के। तो पाँच दिन हम लोग कितना चावल मिलना चाहिए? कम से कम हम लोग को 35 किलो चावल मिलना चाहिए एक आदमी के। अच्छा, और 5 किलो मिलता है? हाँ, 5 किलो देता है। तो बोलता है मोदी सरकार के पैसा अथी चावल देते हैं, 5 किलो चावल ने मेरा क्या होगा, मेरा बाल बच्चा खाएगा कि हम खाएंगे। हम लोग के एक बैठल ने आधा किलो चावल का भात खाते हैं, 50 किलो के बोरा बोते हैं, तो पचता है हम लोग के कि नहीं पचता। हम लोग नहीं नौकरी करते हैं कि 50 ग्राम के चावल खाएंगे। बड़ा बड़ा आदमी खाता है एक हफ्ता, हम लोग खाते हैं एक ही दिन में। तो 5 किलो का होगा, 5 दिन खाना खाते हैं, तो हम लोग 8 दिन का खाएंगे। सही बात, बहुत नाराज लग रही हैं आप। तो का खाएंगे हम लोग? मोदी सरकार तो खाली वोट मांगता है, वोट अपना कमाने के चक्कर में बड़ा बड़ा आदमी के देखता है, गरीब के ला के देता है। इतना सारा गरीब आता है सुबह सुबह उठ के, मोदी सरकार के आना चाहिए कि कितना गरीब है सब पता चल जाता। कम से कम गाड़ी ने कम से कम नाश्ता तो पहुंचा देता गरीब आदमी के लिए, कि अपना एक सांझ खाना खा के जाता। कुछ नहीं मिलता है, पूरी बूंदिया देता सबके पैक कर करके नाश्ता पहुँचा देता। गरीब आदमी कमाने आता है, कोई बगैर खाली आता है, किसी का खाना नहीं है, किसी का खाना नहीं जुड़ता है, 5-6 गो बच्चा है, किसी का मतवार है। कम से कम दारू के तो बंद करना चाहिए, दारू बंद करना चाहिए, बंद नहीं है। दारू कहाँ ना बंद हो रहा, मोदी सरकार तो दारू वाला पूरा बंद कर दिया। हम लोग पेटी ढोने जाते थे, दारू बंद कर दिया सरकार, तो खुद ही दारू का दुकान खुलवा रहा है और गरीब के दुकान बंद करवा दिया। अपने क्यों बंद दुकान खुलवा रहा है, दारू का दुकान कर रहा है। खाली झूठ झूठ को बोलता है कि ये करेंगे गरीब अति में। आप लोग आप एक कितना एकड़ जमीन है उसका हम लोग का फॉर्म भरवाया, एक पैसा भेजना नहीं है। वो हम लोग का जमीन का बेईमानी करने पर लगे हैं, जान रहे हैं ना। क्या नाम है आप? कमलेश देवी। अच्छा, कौन सी जमीन की बेईमानी हो रही है? हम लोग का ये गढ़वा जिला में। गढ़वा जिला में क्या हो गया वहाँ? बोले कि एकड़ पर 5,000, आप लोग का एक एकड़ पर पैसा भेजा जाए। एकड़ पर 5,000 रुपए सरकार दे रही है? हाँ, तो एक भी पैसा तक भी भेजने का कोई ठिकाना नहीं है। अभी एक भी नहीं मिला? नहीं, एक भी पैसा नहीं मिला। हाँ, कुछ भी नहीं। हम लोग अमीर आदमी को देखते हैं, गरीब आदमी को कोई नहीं देखते हैं। हम लोग कितना कितना कुआं मकान बना दिया, हम लोग रोड नहीं सोते। अगर आके मोदी सरकार देखो, पुलिस लोग के ड्यूटी करवा, हम लोग डेली यहाँ सोते हैं, रोज सोते हैं। हम लोग का घर भी नहीं है सोने के लिए, और जिसका इसका बड़ा बड़ा मकान दे दिया, बिल्डिंग दे दिया, एक एक आदमी के घर पास करवा दिया, 10-10 को 5-5 को घूस ले लेके। गरीब के मांगता है घर, जिंदगी हम लोग रेजा कुली काम करते, जिंदगी भी हम लोग को उम्र अभी तक रहेगा काम करने का। हम लोग को भी शौक लगता है कि हम लोग का बच्चा कहीं नौकरी चाकरी हो, पढ़ा लिखा बच्चा सब हम लोग का भटक रहे हैं, हम लोग
नौकरी ना हो बाकी मेरा बच्चा सबका नौकरी होना चाहिए। तो आप भी यहाँ रोज आते हैं क्या? डेली मजदूरी? हाँ, 5,000 में डेली महीना खट रहे हैं, 5,000 में, और 900 मेरा भाड़ा लग जाता है, रेंट में रहते हैं। हाँ, रेंट भाड़ा मेरा अलग है और बच्चा का पढ़ाई लिखाई का अलग है। 5,000 में हम क्या कर सकते हैं, कुछ करेंगे? सही बात है। तो ये जो सरकारी आवास वगैरह की बात हो रही, वो सब नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं। और सिलेंडर वगैरह? सिलेंडर तो कुछ नहीं मिला है। अनाज अनाज मिलता है? बस खाली एक कार्ड मिला है। एक कार्ड मिला है बस? खाली कार्ड मिला है, राशन कार्ड और कुछ भी नहीं। उस पर राशन नहीं मिलता? राशन कहाँ मिलेगा, यहाँ डिलीट कर देते हैं, बोलते कि परदेसिया है, परदेसिया का क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। परदेसिया क्यों बोलते? क्या पता क्या बोलते, अब बाप दादा हम लोग जिंदगी रांची में बिता दिए हैं। हाँ, आज से नहीं, बाप दादा से, मेरा जन्म भी रांची का है। तो आप झारखंड के नहीं मानते हैं क्या? मानते हैं, कैसे नहीं मानेंगे, मानते हैं। बाकी आदमी का बात सुन सुन के हम लोग को राशन भी लेने जाने को मन नहीं करता है। हाँ, जो राशन बांटता है उसकी बात सुन सब पूरा गाँव का बोलेंगे, पूरा गांव का, परदेसिया को मिलता है, परदेसिया को मिलता है, गाँव वाला को नहीं मिलता। सरकार कर लीजिए तो सबको ही हम लोग उन्हीं का ना हुए। हाँ, अब तो हम लोग वोट भी नहीं देंगे। नहीं देंगे वोट? नहीं, वोट नहीं देंगे, कहा हम लोग मेहनत करके खाते हैं। और वो भी मोदी सरकार, तो हम लोग घर घर खाना तो घर का काम नहीं दिला दिला है कि रोज हम लोग मेहनत करेंगे और खाएंगे। यहाँ रांची में तो कोई चीज नहीं है, हम लोग गरीब आदमी के कमाने के लिए पब्लिक का दिन हम लोग के काम देगा, पब्लिक का काम रहेगा तो काम करवाएंगे, तो हम लोग भूखे मरते हैं। सरकार का काम दिया हम लोग, इतना बड़ा रांची हो के इतना गरीब के तभी तो पोसना चाहिए, काम तो देना चाहिए। बहुत अच्छा माने थे और मानते हैं, बाकी हम लोग का बच्चा का रोजी रोजगार मिले तभी मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। हम लोग को नौकरी ना मिले, हम लोग रोड पर रहेंगे, रोड झाड़ू करके बाल बच्चा को पढ़ा रहे लिखा रहे हैं, बाकी हम लोग का बच्चा से तो कुछ होना चाहिए ना। कितने बच्चे हैं आपके? दो है, एक लड़का एक लड़की। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं वो? अभी सब बीए करके एमए करके सब बैठे हैं घर। सब बैठे हैं, रोजगार नहीं? ना, कुछ भी नहीं। 5,000-6,000 में बच्चा सबका काम करेंगे तो क्या मिलेगा? हाँ, कुछ मिलने वाला है? 5,000 आजकल कोई जमाना है 5,000 का? 5,000 तो घर ही रेंट हम लोग भरेंगे तो खाएंगे। पैसा भी आता है उसको भी लोग रोक देता है कि लोग के कितना पैसा देंगे बोल के। हमारा आदमी कोका है, ना बोलता है ना सुनता है। मेरा पैसा मिला था, एक बार रोक दिया, फिर हम आए यहाँ कचहरी ने देखा तो मेरा पैसा आया, रोक देता है पैसा के भी। अगर मेरा आदमी सही ढंग रहता तो हम लोग नहीं कमा के खाते, मेरा आदमी खुद बितलांग है, उसको सरकार नहीं देखता है। घर घर चेक करो किसका आदमी सही है, किसका खराब है, किसका का है, उसको कहा नहीं देखता है, नौकर लगा देता है, नौकर लोग को पैसा दे देता है, लोग घूस खा जाता है, गरीब के वोट देने के लिए पैसा देता है उसको भी तो खा जाता है। आए, हर आदमी के 300 रुपया भेजता है वोट देने के लिए, उसको भी तो खा जाता है जो वोट दिलवाता है वो लोग। आए, नहीं, हम लोग को पता नहीं है, हम लोग के सब जानकारी है। बड़ा बड़ा आदमी के मुखिया बना देता है, गरीब के मुखिया बनाना चाहिए, मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। आए, जिसका पास दौलत है उसी को दौलत देता है मोदी सरकार, हम लोग के कुछ नहीं मिलता है। हम लोग बासी रोटी खाते हैं, बासी भात खाते हैं, हमारा बाल बच्चा 4 दिन तक भूखे रहता है, उसको मोदी सरकार देखने नहीं आता है, आना ना चाहिए देखने। क्या करता, कहाँ सुतल रहता है मोदी सरकार? वोट देने के लिए तो बोलता है कि हम घर बना देंगे, बिल्डिंग देंगे, चपाकल देंगे, मेरा पानी पीने के लिए तो पानी नहीं, हम खोज खोज के पानी पीते हैं, हमको काहे कुछ नहीं देता है मोदी सरकार? आए, खाली वोट लेने के लिए तैयार होता है मोदी सरकार। आप बहुत ही ज्यादा नाराज हैं, आपकी नाराजगी जाहिर सी बात है कि मेरा घर ने पानी नहीं है पीने के लिए, और क्या बता देंगे, हम दूसरे कुएं से पानी पीते हैं, कितना दिन देगा दूसरा कुएं का पानी हमको? आए, कौन से गांव में रहते हैं? हमारा चानो घर है, चानो थाना पड़ता है, चानो ब्लॉक पड़ता है। कितना कितना दूर है यहाँ से? नहीं है, 40 किलोमीटर है। वहाँ से आती हैं? हाँ, इधर रहता है, हम लोग रेंट पर रहते हैं। रांची के लालपुर चौक में हमारी बात कई लोगों से हुई, कई महिलाओं से हुई जो रोज काम की तलाश में उन्हें 15-20 किलोमीटर, एक महिला तो बता रही थी कि उन्हें 40 किलोमीटर से यहाँ पर आना पड़ता है। मोदी सरकार से नाराज हैं, रघुवर सरकार से नाराज हैं, और उनकी नाराजगी जाहिर भी है क्योंकि उनके घर में पीने का पानी नहीं है, उनके हस्बैंड जो हैं कि दिव्यांग हैं लेकिन उन्हें किसी तरीके की मदद नहीं मिलती है। बाकी जो महिलाएं हैं उन्हें एक लंबी दूरी तय करके आना पड़ता है लेकिन ये भी पता नहीं होता है कि उन्हें काम मिलेगा कि नहीं। 20-30 रुपये का रोज लोग खर्च करके आते हैं और जब काम नहीं मिलता है तो इतना ही खर्च करके उन्हें वापस जाना पड़ता है।
तमाम तरह की दिक्कतें हैं। रघुबर सरकार तमाम दावे कर रही है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। ललन टॉप की टीम इस समय चुनाव कवरेज के लिए झारखंड में है, इस समय हम रांची में हैं। चुनाव के अलग अलग रंग हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरे के पीछे अमितेश और मैं हूँ डेविड, मिलते हैं अगले पड़ाव पर। थैंक यू।